राधे राधे। राधे राधे। और क्या हाल है भाई सभी के? तो हमारे भी एकदम बढ़िया है। आज मैं बहुत देर तक सोया हूँ और यार आज सुबह सुबह इतना तगड़ी धूप निकल गई है, बहुत तेज धूप निकली। और मैंने अभी आज न्यूज़ देखी तो उसमें दिखा रहा है कि जानेश्वर मिस पार्क में जड़ता राजा नाटक, कोई नाटक वाटक हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ चलूँ। और आज योगी जी भी शायद वहाँ आ रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा। और खाना वाना बहुत हो गया है मेरा, अभी फ़ोन किया हूँ दोस्तों, वो अभी ऑफिस में है, कहें आज जल्दी निकल जाना तो चला जाएगा जानेश्वर। देखते हैं आ जाएगा तो चलेंगे आज। चलें जरा रूम में देखें क्या हो रहा है। ऋतिक भी स्कूल से आ चुका है और मम्मी हमारी एक घंटे से फ़ोन पे लगी हुई हैं, बात करने में लगी हुई हैं। पता नहीं कितने जल्दी फुर्सत मिलेगी इनको बात करने से। एक दो घंटा तो बीत ही चुका है, मैं जब से बाहर हूँ तब से लगी। हमको जाना है दुकान यार, कॉपी लेने, दीदी को असाइनमेंट बनाना है और हमको भी अपने असाइनमेंट के लिए कॉपी लाना है, लेकिन जा नहीं पाने, इतना तगड़ी धूप है, मन नहीं हो रहा बाहर जाने का। क्या करें, अगर अभी निकलेंगे थोड़ी देर में तो लाएंगे। सोचा था कि मैं 3:30 बजे निकल जाऊँगा जानेश्वर के लिए, लेकिन जिस दोस्त को मैंने कॉल किया था उसके सर्वर आ गए हैं, तो वो कहा कि भाई अभी लेट हो जाएगा निकलने में। वो बताओ 4:30 बजे योगी जा रहे हैं, हम क्या कहें इन लोग को। अमन को फ़ोन किए, वो कह रहा अभी बता रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हम कपड़ा पहने कि ना पहने, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे। जब भी कुछ प्लान करो रैंडम तो समझ नहीं आता यार, कोई चलने की तैयारी नहीं होता है। देखें अब बोला है 5 मिनट बता रहे हैं, बताए फटाफट फिर पहने फिर निकलते हैं, तब तक देखने कपड़े उपड़े। 1 hour later तेल ख़त्म हो रहा है, और सच में तेल ख़त्म हो गया। तो प्रांजल से घर आए, प्रांजल के प्रांजल निकाल के अपने स्कूटी में से दे रहा तेल हम लोग। देखो भैया उस बार खोल के निकाल नहीं थे तेल, अभी कैसे निकलता है ये निकालो। क्योंकि पेट्रोल जाना डलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ख़त्म हो गया तो कोई प्रांजल नहीं मिलेगा। फिर डला लेते हैं, वैसे भी लेट तो हो ही गया है, योगी जा ही जाएंगे हम तो, फिर चलते हैं डला के। पहुंच चुके हैं जानेश्वर मिस पार्क। हाँ मेन यही है, तो मेन गेट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ज़्यादा भीड़ भरकम तो नहीं दिख रहा यार, ऐसा तो नहीं है कि न्यूज़ वाले गलत हमको इन्फॉर्मेशन दिए हैं योगी जी आ रहे हैं। टिकट ले लिया है, हम लोग बिना टिकट के नहीं कहीं जाते हैं। अगर टिकट नहीं लगता वहाँ तो भी हम लोग टिकट लेते हैं ज़बरदस्ती ना। झूठ बोल रहा है। और हम लोग इंटर कर गए हैं और दिल दरिया है, बाकी सब समझ भी तो बात है ना। अरे यार मेरी गाड़ी यहीं खड़ी, देखो कौन सी भाई। अंदर भी इंटर कर गए हैं, लेकिन जहाँ पे वो नाटक हो रहा है वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूं अब। जानेश्वर का अंदर का लोकेशन थोड़ी ढूंढ सकते हैं कि नाटक कहाँ पे हो रहा, वो लोकेशन दिखाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं। देखते हैं ढूंढते हैं। और अमन, हम दोनों मिश्रा लोग पहुंच चुके हैं मिश्रा जी के पास, मिश्रा जी मतलब इनके पास। लेकिन यार हमको समझ नहीं आ रहा कि वो नाटक कहाँ पे हो रहा है, हमको लग रहा है कि किसी और गेट पे हो रहा है क्या। अमन गेट पे हो रहा है क्या वो, झंडे के पास वही, नहीं पता कहाँ हो रहा है।
जानेश्वर में इस पार्क में ये जो बीच में झील दिए हैं, जो बीच बीच में पूरे पार्क के, वो इतना अच्छा लगता है ना यार, मतलब सुकून मिलता है जो यहाँ पे खड़े होके थोड़ा टाइम व्यतीत करें अपना। इस टाइम तो सनसेट हो रहा है तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, और लगता नहीं है कि हम लोग योगी जी से मिल पाएंगे क्योंकि वो लोकेशन हम लोग को पता नहीं चल रही है। तो कोई बात नहीं, हम आप लोग को जानेश्वर में इस पार्क ही घुमा देंगे, और मैं देखता हूँ, किसी से पूछता भी हूँ कि वो कहाँ पे हो रहा नाटक। तो अगर योगी जी चले भी जाएंगे तब भी हम आप लोग को वो नाटक जरूर दिखाएंगे, लेकिन मिले तो पहले। तालाब है, झील जो है उसमें फिश पालन भी हुआ है, जो यहाँ पे सब लोग आते हैं तो खाने पीने वाला लाते हैं, इस पुल पे खड़े होकर डालते हैं, तो बहुत सारी फिश एक साथ दिखती है इसमें, हर कलर की फिश हैं इसमें। यही गाड़ी चिड़ियाघर में भी मिलेगी आपको, और यही गाड़ी यहाँ पे भी मिलेगी जानेश्वर में, जो पूरा पार्क आप लोग को दिखाएगी। हम लोग ढूंढ रहे हैं वही नाटक जहाँ पे हो रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए और हम लोग ढूंढेंगे वो वाला नाटक, आप लोग जरूर दिखाएंगे आज। गार्ड वाले अंकल थे पीछे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये नाटक कहाँ पे हो रहा है, किस गेट पे हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि 5 नंबर गेट पे हो रहा है। तो उन्होंने बोला ये भी कि उस पर टिकट भी लग रहा है, तो मैंने सोचा कितना रुपये टिकट लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुम 2 लोग हो और तुम लोग छात्र हो, हम कहें हाँ हम लोग छात्र हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग का 400 रुपये लगेगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया यार, इतना महंगा कौन रखता है भाई, हम जा ही नहीं पाएंगे। बताओ, हमारे व्यूअर्स को मैं दिखाने के लिए आया था कि नाटक वाटक, जा ही नहीं पाएंगे, क्या करें। हम सोचे वो पूछ रहे हैं कि तुम लोग छात्र हो तो तुम लोग के लिए फ्री सेवा है, हमारे तो अरमानों पानी फिर गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही टहल लेते हैं जानेश्वर, अब इतना दूर आए हैं, चले तो जाएंगे नहीं उसको बिना देखे। पहुंच चुके हैं अपने फ्लैग के पास, जो हमारी शान है, आन बान शान, उसके पास। वो जो पंडाल है उसके जस्ट पीछे हैं, पीछे के आगे ही हैं, लेकिन वो उस पार हो रहा है। योगी जी की सब गाड़ियां खड़ी हैं एक लाइन से, बस लेडीज हैं क्या, ये रही हैं। अब इस टाइम जो है रात, शाम हो चुकी है, तो सब लोग वॉकिंग के लिए आ रहे हैं, और इस जगह पे पहले बोट्स चलती थी, पता नहीं क्यों बोट्स अब बंद हो गई, पहले यहाँ से बोटिंग होती थी। ये सब बोट जो है बंद पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हैं कुछ उस साइड पड़ी हुई हैं, सब बंद हैं। अब मुझे रीजन तो नहीं मालूम है क्यों बंद कर दिया गया, लेकिन चलाते यहाँ बोट तो काफ़ी अच्छा रहता और बहुत लोग आते हैं इसको करने। तो हम लोग चल चल के थक गए हैं, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा बैठ के आराम कर लेते हैं। बैठे हैं यहाँ और योगी जी की आवाज़ सुन रहे हैं, पीछे योगी जी भाषण दे रहे हैं, जाने को तो मिला नहीं, यहीं बैठ के सुनो। और
काफ़ी अंधेरा हो गया तो उतना साफ वीडियो नहीं आ रहा है, इधर से रोशनी आ रही है तो थोड़ा बहुत चेहरा दिख रहा है, नहीं तो बिल्कुल नहीं दिख रहा चेहरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। थोड़ा आराम कर लें फिर चलते हैं मेन गेट की तरफ, भीड़ होगी काफ़ी उधर भी। सब खूबसूरती जो है यहाँ जनेश्वर पार्क में मिलती है, आइए आप थोड़ा टाइम दीजिए जनेश्वर पार्क में, बहुत मज़ा आता है। जैसे हम लोग आज हम और अमन निकले हैं घूमने, रात हो गई लेकिन तब भी जाने का मन हम लोग का नहीं हो रहा है। नहीं वाटरफॉल हो रहा है, चलते चलते पहुंचा है अपने मेन गेट जो है रफेल। उधर से आए थे ना? हाँ हम उधर से गए थे, इधर से आए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये तो हम लोग कुछ भी नहीं घूमे हैं, 10% हाँ 10% भी नहीं, लेकिन थक गए हैं। और बताइए आज तक कोई पूरा घूम ही नहीं पाया इसको एक दिन में। हाँ तो एक दिन में ये वाटरफॉल यहाँ भी हो रहा है। बोलो भाई अच्छे टाइम पे यहाँ चले आए थे आगे, नहीं तो वहाँ रह जाते तो हम लोग का शो छूट जाता। फाउंटेन शो हो रहा था, इतना मज़ा आया, मैंने रील्स में देखा था, उसके बाद ये बंद हो गया। आज डेमो चल रहा था इसका, काफ़ी मज़ा आया यार। और जब इसका हो जाएगा, जब ये शुरू हो जाएगा तो इसका टिकट भी अलग से लगेगा। लेकिन हम लोग काफ़ी लकी थे ना अमन, हम लोग बहुत लकी थे कि हम लोग को देखने को मिला, काफ़ी बहुत ज़्यादा हम लोग को मज़ा आया। और हम लोग पार्क हम लोग घूम चुके हैं, काफ़ी रात भी हो गई है, तो अब हम लोग चलते हैं घर।
मोहल्ले में, और दीदी ने फ़ोन किया था कि कॉपी लेनी है, तो आए हैं रोहित जी, कॉपी ले लेते हैं उसके बाद चलते हैं। यार वहाँ से आने के बाद इतना थक गया हूँ और मुझे लगी थी भूख, सुबह ही एक बार खाया था खाना ना मम्मी, एक ही बार सुबह खाना खाया हूँ, तब से एक बार भी खाना नहीं खाया था और मुझे लगी थी भूख। और मम्मी अभी हमारे बनाई है दाल चावल, दाल में डाली है कद्दू, ये हमारी मम्मी वहाँ नीचे बैठ के खा रही, उनको फर्श पे बैठ पसंद है, देख लो ये मोबाइल। और कुछ दिन से तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, डाउन लग रही है, मतलब अंदर से ऐसा नहीं है फीवर है या कुछ भी हो, सही है, बाकी सुस्ती या ऐसे कुछ लग रहा है। तो मम्मी बोली कि मैं और नज़र उतार देती हूँ, तो मैं नज़र उतारने जा रहा हूँ। से ऐसे पता चलता है कि अगर ऐसी सूखा मिर्चा जला दो तो कोई रह नहीं पाएगा घर में, इतना तगड़ा महकता है। और अगर आपको नज़र लगी है तगड़ी, थोड़ी लगी है तो हल्का महकेगा, अगर तगड़ी लगी है तो बिल्कुल महकेगा ही नहीं, और मुझे लगी है तो बिल्कुल महक ही नहीं रहा है ना मम्मी, क्या महक रहा जल लगी है ना। मैं यहाँ आराम से बैठा हुआ हूँ और सोने ये लोग नहीं दे रहे हमको, क्योंकि दोनों लोग बैठ के लिखने में लगे हुए हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं सब, ये लोग बैठ के लिख रहे हैं, तो ये लोग कर लें फिर उसके बाद हम भी सोते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारा ब्लॉग देखिए, ब्लॉग को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।